अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले घंटे को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सी समथिंग टेकी, सी समथिंग न्यू। माय नेम इज अशोक प्रजा, यू वाचिंग एके टेक स्टार। तो आज मैं बताने वाला हूँ 42 ऐप है जो इंडियन आर्मी ने इस पे बैन किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक नहीं देखते इस वीडियो को तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे 42 ऐप है जो फ्रेंड्स मार्केट में अवेलेबल है और ये चाइना का है फ्रेंड्स। ये ऐप जो चाइना डेवलपर ने डेवलप किया है, आप ये बहुत ही फेमस ऐप है जो आप इस सारे ऐप को जानते होंगे। और ये इंडियन आर्मी ने इसे बैन कर दिया है क्योंकि ये आपका डाटा ट्रांसफर करता था दूसरे सर्वर में और आपको ब्लैकमेल करता है और आपसे पैसा मांगता है। डाटा है ये मार्केट में माइनिंग होता है। आप अगर नेटवर्किंग बिजनेस में है तो आप ये सब जानते होंगे कि माइनिंग क्या होता है, नेटवर्क माइनिंग और डाटा माइनिंग क्या होता है तो आप लोग जानते ही होंगे। गाइस, इंडियन आर्मी का ये कहना है इंडिया का जो है डाटा यानी इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफर होता है चाइना के सर्वर में, तो इसलिए इंडियन आर्मी ने इस पे बैन किया है। हमारे देश को भी ये गलत प्रभाव पड़ सकता है इसलिए इस पे बैन किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा क्या डाटा चुराएगा और मेरा क्या बाजार में ये करेगा। तो गाइस, मैं बता दूं आप क्या सर्च करते हैं और आप क्या ये करते हैं, मतलब क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, ये सारा डाटा आपका ट्रांसफर होकर चाइना सर्वर में जाता है इसलिए ये बैन किया गया है। इसमें फ्रेंड्स ट्रू कॉलर भी शामिल है। ट्रू कॉलर एक इंडिया का नहीं है फ्रेंड्स, ये आप लोग समझते होंगे कि ये इंडिया का है लेकिन इंडिया का नहीं है। ये आपके कॉन्टैक्ट को रीड करता है और चाइना सर्वर में ट्रांसफर करता है। ये आप जानते होंगे कि नाम वहां पर बता देता है। ये नाम किस लिए बताता है मैं आपको बता दूं, ये नाम आपके जो डाटा है वो रीड करता है। और आपके मैंने जितने ऐप बताए 42 ऐप, ये सारे स्पाईवेयर है जो आपके डाटा को चुराता है। जो ट्रू कलर ये कंपनी है स्वीडन का, जो स्वीडन का ये कहना है कि ये जो ऐप है आपके डाटा को ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन इंडियन आर्मी का कहना है ये आपके डाटा को ट्रांसफर करता है। ये जितना भी आपका कॉन्टेक्ट रीड करता है सारा अपने सर्वर में ट्रांसफर करता है और स्टोर कर लेता है, इसलिए आपको नाम पता चल जाता है ये किस मोबाइल नंबर है और किसका नाम है, नाम से सिम लिया गया हुआ है इसी के लिए आपको पता चल जाता है। तो गाइज मैं बता दूं ये ऐप को इंस्टॉल ना करें तो बेटर है, नहीं तो आपका लाइफ डेंजरस में आ सकता है। कुछ दिन पहले सरकार ने बैन कर दिया था यूसी ब्राउजर को। क्यों बंद किया? क्योंकि ये जो आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर करता है इसलिए उसको बैन किया था तो सुनने में आया था। लेकिन जो यूसी ब्राउजर का ऑनर डेवलपर है उसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस इसे इंस्टॉल ना करें तो बेटर है, हमारे देश के लिए भी खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स जो ऐप का नाम है मैं बता दूं कौन कौन सा ऐप का नाम है तो जानिए ये कौन कौन। नंबर वन पे ऐप है जो वीवो, वीचैट, सैरी, ट्रू कलर, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, ड्यूटी प्लस, न्यूज डॉग, वाइबा वीडियो, क्यू वीडियो, INC, पैरेलल स्पेस, एपीयूज ब्राउजर, परफेक्ट क्रॉप, वायरस क्लीनर, हाई सिक्योरिटी लैब, CM ब्राउजर, MI कम्युनिटी, ड्यू रिकॉर्डर, वेलेट, हाइट, यू कैम मेकअप, MI स्टोर, कैच ए क्लियर, ड्यू एप स्टूडियो, ड्यू बैटरी सेवर, ड्यू क्लीनर, ड्यू प्राइवेसी 360 सिक्योरिटी, ड्यू ब्राउजर, रिलेटेड ऐप है ये सारे बैन है इंडिया में। फ्रेंड्स ये ऐप को इंस्टॉल ना करें तो आपके लिए अच्छा है और मेरे देश के लिए भी अच्छा है। तो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जान सके इस ऐप को। फ्रेंड्स ये मेरा लास्ट में जाते जाते कहना है, आप इस ऐप को इंस्टॉल ना करें तो आपके लिए अच्छा है। तो गाइस फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रोज वीडियो डालूं लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम किसी भी तरह निकाल कर आपको एक वीडियो रोज का दे दूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, वंदे मातरम।